नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पोषक तत्वों के बारे में कि आखिर पोषक तत्व होते क्या हैं, किन फल से किन सब्जियों से हमें पोषक तत्व मिलते हैं, पोषक तत्व क्यों हमारे लिए आवश्यक हैं, अगर ये पोषक तत्व हमें न मिले तो इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, तो इसलिए एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का धमाकेदार सेशन। दोस्तों ये आपके वीडियो का बैच है, महा स्टार्ट हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पोषक तत्वों के बारे में बात करते हैं कि आखिर जानते हैं कि ये पोषक तत्व होते क्या हैं। पहले इस पे बात करते हैं, शरीर के पोषण के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से शरीर के सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्वों से शरीर के सभी अंग सही तरह से कार्य करते हैं तथा विभिन्न विटामिन और खनिजों के रूप में मिलने वाले पोषक तत्व शरीर के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे दोस्तों विटामिन के रूप में, हमारे खनिज के रूप में, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि ये हमारा शरीर दिन भर प्रतिदिन कार्य करता रहता है, तो दोस्तों इसको एनर्जी के रूप में कुछ तो चाहिए, जिससे कि हमें प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता और दोस्तों हमारी जो एनर्जी है वो मेंटेन हो। तो वो हमें किससे मिलेगा? पोषक तत्वों से मिलेगा, भोजन से प्राप्त होगा, यानी विटामिन से मिलेगा। तो दोस्तों हमें ऐसे स्वस्थ हेल्दी भोजन करने चाहिए जिससे कि हमारी एनर्जी मेंटेन रहे और जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचाए। तो दोस्तों ये पोषक तत्व हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये हमारे विकास के साथ साथ, हमारे शरीर के विकास के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाते हैं, जिससे कि हम रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित होती है। ये चीज नेक्स्ट है दोस्तों, इनकी कमी होने से आप कई तरह के रोगों की चपेट में आ सकते हैं। जब दोस्तों आप अगर सही से आपको पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे हैं, सही से आपको विटामिन नहीं मिल रहे हैं, तो आपका जो शरीर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों, वो क्या हो जाती है? वो कमजोर हो जाती है। क्या होती है? वह कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, वह वीक हो जाती है दोस्तों। और क्या होती है? तब आपको छोटी से छोटी बीमारी दोस्तों आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो इसलिए इनकी कमी से कई प्रकार के रोग से आप क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज और जल कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों यानी हमें कार्बोहाइड्रेट भी उचित मात्रा में चाहिए, प्रोटीन उचित मात्रा में चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, इन सारी चीज़ों की हमें जल की मात्रा, सभी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतनी हमें चाहिए दोस्तों। पर अगर ये अधिक हो गई, जैसे कार्बोहाइड्रेट अधिक हो गया, प्रोटीन अधिक हो गया, विटामिन अधिक हो गया, फैट अधिक हो गया, तो भी ये हमारे लिए हानिकारक होती है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर जिसे उतना ही चाहिए जितना कि हमें आवश्यक हो दोस्तों। एक घटना मैं आपसे बताता हूँ दोस्तों कि अस्पताल में मेरे दोस्तों एक रिलेटिव थे, वो अस्पताल में एडमिट थे, उनकी हड्डी दोस्तों क्रैक हो गई थी, उनकी हड्डी पैर की क्या हो गई थी? क्रैक हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था उनका। तो डॉक्टर से उन्होंने कहा कि सर मैं खूब दूध पीऊंगा, मैं 1-2 लीटर डेली दूध पीऊंगा, 10-12 अंडे खाऊंगा, जिससे कि कैल्शियम की मात्रा मेरे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए और मेरी हड्डी तुरंत जुड़ जाए। तो डॉक्टर का क्या जवाब था दोस्तों, सुनिएगा जरा ध्यान से। डॉक्टर ने कहा कि आप जरूर खाएंगे 1-2 लीटर, आप दूध पिएंगे, आप 10 अंडे खाएंगे, 12 अंडे खाएंगे, क्योंकि आपको मालूम आपको कैल्शियम बढ़ाना है, अपनी हड्डी को जोड़ना है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी बॉडी को ऑब्जर्व करना होता है वो उतना ही ऑब्जर्व करेगा। जैसे कि अगर 2 अंडे का ही कैल्शियम उसे लेना है, 2 अंडे का वो कैल्शियम ले लेगा बस दोस्तों, बाकी क्या होगा? बाकी वेस्ट जाएगा, वो आपका क्या करेगा? फैट बढ़ाएगा। जितनी आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, जितनी बॉडी आपका लेगा उतना ही दोस्तों, जितनी उसको आवश्यकता है, जितनी उसको एनर्जी की आवश्यकता है, जितनी उसको कैल्शियम की आवश्यकता है, जितनी उसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है, विटामिन उतनी ही, बाकी चीज़ें क्या हो जाती है? वेस्ट जाती हैं, जो आपके शरीर में फैट के रूप में एकत्रित होती।
तो डॉक्टर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो चीज़ मेरे दिमाग में आज तक है दोस्तों। तो जितनी बॉडी को आवश्यकता हो उतनी ही चीज़ें खाइए दोस्तों। ये नहीं कि आप अगर रोज़ खा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप दोस्तों मटन खाइए, चिकन खाइए, अंडा खाइए, हरी सब्जियां खाइए, हर चीज़ खाइए, बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए। क्योंकि हर चीज़ आप पर जिस दिन आप जो चीज़ें आप ज़्यादा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता शरीर को सबसे ज़्यादा होती है। विटामिन के प्रकार में विटामिन B2, दोस्तों विटामिन के कई प्रकार होते हैं। आपने विटामिन A, B, C, D, E और K तो पढ़ा होगा, पर कई प्रकार भी होते हैं। जैसे विटामिन बी के कई प्रकार हैं, जैसे B2 हो गया यानी कि राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन B3 हो गया नियाशीन हो गया, विटामिन B5 हो गया पेंटाथिनिक एसिड हो गया, विटामिन B6 हो गया। और दोस्तों विटामिन की बात की जाए विटामिन B7 बायोटीन हो गया, विटामिन B9 फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 साइनोकोलबिन हो गया, और विटामिन C एस्कार्बिक एसिड आप जानते हैं, विटामिन D के बारे में जानते हैं, विटामिन E10 टोकोफेरॉल और विटामिन K भी शामिल होते हैं। इन विटामिन के बारे में भी आप जानते हैं। बस विटामिन बी के दोस्तों 2, 3, 5, 6, 12 ये वैरायटी आपको बहुत ही कम सुनी होगी, बहुत कम देखी होगी आपने, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस होगा। तो दोस्तों बाकी चीजें आपको आइए जानते हैं। खनिज के प्रकार में बोरान, कैल्शियम और क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, पोटेशियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, सोडियम और जिंक को भी शामिल किया जाता है, जो खनिज के रूप में दोस्तों हमारे बॉडी में होते हैं। ये सब होते हैं यानी कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयोडीन होता है, ये सारी चीज़ें हमारे खनिज के रूप में हमारे शरीर को बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमें आयोडीन की मात्रा चाहिए, हमें कैल्शियम की मात्रा चाहिए, हमें पोटेशियम की मात्रा चाहिए, हर चीज़ की हमें शरीर को आवश्यकता होती है, जिससे वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसके शरीर की हमारे शरीर की बढ़ती है दोस्तों। और आप सभी को मालूम है कि हमारे दोस्तों हमें विटामिन्स की भी बहुत आवश्यकता होती है। आपके मैंने बताया है कि हमारे विटामिन A, B, C, D, E और K ये विटामिन होते हैं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया कि विटामिन बी और सी ये क्या है दोस्तों, ये आपके जल में घुलनशील है। ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन से विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सारे विटामिन यानी कि A, D और E और K ये किस में होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं दोस्तों। किस में होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। मैंने आपको बताया है, इसको जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया जल में घुलनशील विटामिन आपके बी और सी हो गए। बाकी विटामिन जितने हो गए दोस्तों वो कितने किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ये आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में किताबें आ चुकी हैं, आप सभी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करें जाए पोषक तत्वों के प्रकार के बारे में दोस्तों। पोषक तत्वों के प्रकार के बारे में बात करें तो पोषक तत्वों का सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट दोस्तों और क्या होता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट बृहत और बड़े पोषक तत्व दो प्रकार में विभाजित किए जाते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, और वसा को मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है क्योंकि वे बड़े होते हैं और इनको ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, और इन्हें क्या दोस्तों, ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। ये आपके पोषक तत्वों के प्रकार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन और खनिजों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो विटामिन है और जो खनिज है उनको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि अन्य पोषक तत्वों की तुलना में यह बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं दोस्तों। तो ये आप सोचिए कि बहुत छोटे हैं पर ये असर नहीं करते दोस्तों, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, आपने सुना होगा ना। तो दोस्तों वाकई में ये छोटे होते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये बहुत छोटे होते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह शरीर के लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर को बेहद कम मात्रा में इनकी भी आवश्यकता होती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पोषक तत्वों के फायदे। अब पोषक तत्वों के फायदे की बात करें दोस्तों तो पोषक तत्वों के अनेक फायदे होते हैं। प्रत्येक विटामिन और खनिज के अलावा अन्य पोषक तत्व जैसे शरीर में अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पोषक तत्व होते हैं इनके अलग बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ती है, और दोस्तों हमारे शरीर के विकास में जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारी लंबाई की वृद्धि,
हमारे दोस्तों मसल्स मजबूत होते हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, ये सारे इन पोषक तत्वों से ही होता है दोस्तों। और भी चीज़ें हैं कि इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, अभी लास्ट में दोस्तों डिस्कशन होगा, शुरू से अंत तक बने रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल पोषक तत्व कुछ मुख्य फायदे के बारे में नीचे विस्तार से समझाया जा रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों पोषक तत्व हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी निरंतर एक जैसे मशीन की तरह हमेशा सुबह से शाम तक काम करती रहती है। क्या कभी आपने सोचा कि आखिर इसमें कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी मिलती है जिससे ये बॉडी हमेशा काम करती रहती है, थकती नहीं? दोस्तों वही विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब दोस्तों क्या होते हैं, जो हमारे जो बॉडी में होते हैं, जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, फल से प्राप्त होते हैं, रस दोस्तों जो जूस होते हैं आप पीते हैं, फलों के जूसों से प्राप्त होते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और कार्य करते रहते हैं, कभी भी हम थकते नहीं। तो ये चीज है दोस्तों, ये सारी चीजें हमें प्रदान होती है। नेक्स्ट है शरीर की बनावट के लिए जरूरी है पोषक तत्व, और जो हमारी बॉडी बनती है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं, जैसे बच्चों के विकास के लिए, शरीर की बनावट के लिए कि बच्चे का अच्छे से लंबाई में ग्रोथ हो, उसका मानसिक विकास हो, तो ये विटामिन हमारे लिए बहुत, पोषक तत्व हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे विटामिन के रूप में, आयोडीन के रूप में, कैल्शियम के रूप में, फास्फोरस के रूप में, सारी चीज़ों के रूप में दोस्तों, ठीक है, सारे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट और हिंदी न्यूज़वेल का नया बैच आराम से हो चुका है, यूपी टेट की पुस्तक है दोस्तों, आप सभी ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करते हैं, अभी तक हमने बात की पोषक तत्वों की इंपॉर्टेंस की, अब बात करते हैं पोषक तत्वों की अधिकता। जैसे मैंने बताया कि पोषक तत्व हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना ही, जब ये पोषक तत्व अधिक हो जाते हैं, जब हमारे शरीर में ये अधिक हो जाते हैं तो भी ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। आइए जानते हैं कि पोषक तत्व की अधिकता पर क्या होता है। पोषक तत्वों की अधिकता से आपके शरीर में कई तरह के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। क्या प्रभाव पड़ते हैं? पोषक तत्वों का एक निश्चित स्तर होता है, उससे कम या ज़्यादा होने से इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। पोषक तत्वों की अधिकता के प्रभाव को निम्न प्रकार से बताया गया है, यानी एक निश्चित क्रम में होने चाहिए पोषक तत्व, विटामिन निश्चित क्रम में आपको पाना चाहिए, कैल्शियम मैंने आपको नहीं बताया, जैसे कैल्शियम की जितनी आवश्यकता है उतना ही चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा आप ले लिए, ज़्यादा अंडा खाने लगे, ज़्यादा दूध पीने लगे, तब क्या होगा, तब वो नुकसान करेगा दोस्तों, वेस्ट जाएगा, तो वो आपकी बॉडी का फैट, आपकी बॉडी का वजन बढ़ाएगा, तो ये चीज़ है। तो यानी कि एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित स्तर में होना चाहिए, न उससे कम न उससे ज़्यादा, तभी आपके शरीर का सही रूप से विकास हो पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन B2 की बात की जाए, अगर भी विटामिन B2 की अधिकता से आपके लीवर को नुकसान होता है, अगर विटामिन B2 की अधिकता बढ़ गई दोस्तों, तो जो आपका लीवर होता है वो सही रूप से सिस्टम उसका काम नहीं करेगा, विटामिन B2 शरीर में संरक्षित नहीं हो पाता, इसलिए अपनी आवश्यकता के बाद बचे हुए विटामिन B2 को शरीर बाहर निकाल देता है। यानी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विटामिन B2 संरक्षित नहीं हो पाता बॉडी में, इसलिए बाकी वो विटामिन क्या करता है, निकाल देता है। नेक्स्ट विटामिन B3 की अगर बात की जाए, विटामिन B3 युक्त दवाओं के अधिक सेवन से आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। दवाओं में पाया जाता है दोस्तों यह, तो कुछ लोग खाते हैं विटामिन के रूप में, कई दवाएं होती है ना, जो दवा आपको मिलती रहती है, देखते हैं आप कई विटामिन से भरपूर रहता है, विटामिन B, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, 6, 12, तो वो दोस्तों विटामिन बहुत ज़्यादा लेने से क्या होता है, उन दवाओं से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, जिससे कि आपके अनियमित दिल की धड़कन, खुजली, उल्टी, दस्त और गाउट होने की क्या होती है, संभावना होती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा विटामिन का भी सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पोषक तत्वों के स्रोत की अब बात करें, ऐसे दोस्तों विटामिन 12, विटामिन 5, विटामिन 6, B, तो ये दोस्तों हमारे लिए अगर अधिक हैं हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं, किसी न किसी रूप से हमारे शरीर को यह नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोषक तत्वों के स्रोत की दोस्तों, तो जो क्रोमियम है वो मिलता है ब्रोकली, जो आपने देखा होगा गोभी होती है दोस्तों, ब्रोकली होती है, हरी हरी होती है, वो उसको ब्रोकली कहते हैं, अंगूर के रस से प्राप्त होता है हमें, आलू से मिलता है, लहसुन और तुलसी, दोस्तों तुलसी का पत्ता जैसे लोग कहते हैं, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, सारे बच्चे कहते हैं कि तुलसी के पत्ते से रोज अगर आप 1 या 2, 4 तुलसी के पत्ते अगर आप खाते हैं तो इम्यूनिटी पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों कोशिश करिए
कि तुलसी के पत्ते और नीम का पत्ता दोस्तों एक या दो आप डेली खाते हैं तो आपके शरीर में ये पावर और आपके ब्लड को भी साफ रखता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेनियम की बात करें तो सूरजमुखी के बीज और चिकन से, पनीर, दालों से और काजू आदि से दोस्तों हमें किसकी प्राप्ति होती है, सेलेनियम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों ये आपके वीडियो ग्राम विकास का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पोषक तत्वों के स्रोत की बात की जाए तो बात हो रही है अब विटामिन B2। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए आखिर विटामिन B2 किससे हमें प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा गेहूं दोस्तों, गेहूं से भी हमारी विटामिन B2 की प्राप्ति होती है। दूध है दोस्तों, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन B2 की भी मात्रा हमें इससे मिलती है दूध से। लाल मिर्च है उससे भी दोस्तों, किशमिश से भी और सतावरी से भी हमें विटामिन B2 की मात्रा मिलती है। और विटामिन B3 की बात की जाए तो कॉफ़ी दोस्तों, कॉफ़ी में से हमें भी विटामिन B3 की मात्रा मिलती है। अनाज हो ही गया, सोया मिल्क हो गया और ओट मील दोस्तों, इनसे भी हमें विटामिन B3 की यानी कि मात्रा मिलती रहती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पोषक तत्व के स्रोत की बात की जाए तो विटामिन B5 दोस्तों, विटामिन B5 यानी मशरूम, चीज़ एवं कुआड़ो और दालों आदि से हमें मिलता है दोस्तों, यानी विटामिन B5 मशरूम से मिलेगा, चीज़ से और दालों से आदि से मिलेगा। विटामिन B6 की बात की जाए दोस्तों तो विटामिन B6 हमें किससे मिलेगा, अंडे से मिलेगा, चिकन से, पालक से, मटर से और केले आदि से दोस्तों विटामिन B6 मिलता है। अंडे से भी दोस्तों हमें कैल्शियम की मात्रा मिलती है, याद रखिएगा। चिकन, पालक, मालक से दोस्तों हमें आयरन की भी मात्रा मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पोषक तत्वों के स्रोत B7 की बात की जाए तो B7 की बात की जाए तो बादाम में B7, पालक में भी पाया जाता है, ब्रोकली में भी, मशरूम में और फूल गोभी आदि में भी B7 जो विटामिन होता है दोस्तों हमें मिलता है। B9 की बात की जाए तो सरसों के साग में जो कि पंजाब का आपका प्रसिद्ध भोजन है, क्या सरसों का साग, मक्के दी रोटी, तो हमारे पंजाबी लोगों को ये सबसे ज़्यादा पसंद आता है, यानी विटामिन B9 उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। कसूरी मेथी हो गई, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया और सोयाबीन, इनमें भी विटामिन B9 की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए विटामिन B12 की तो दूध में, अनाज में, अंडे में और मछली में B12 की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयरन की दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बथुआ, हरी चीज़ों में जो हरी सब्जी होती है दोस्तों, पालक, मेथी, बथुआ, तो इन हरी सब्जियों में दोस्तों आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर आपको आयरन की कमी है तो आयरन की मात्रा बढ़ानी है अगर आपको, तो ये आप हरी सब्जियां खाएं, बथुआ खाइए, धनिया, पुदीना, अनार में भी पाई जाती है दोस्तों आयरन में, अंगूर हो गया, मेथी हो गया, इन सब में दोस्तों आपको आयरन की मात्रा देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आपका फाउंडेशन बैच है, पॉलिटी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों विभिन्न पोषक तत्व की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत तथा कमी से होने वाला रोग, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिससे कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन ए किससे प्राप्त होता है, या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, विटामिन सी हमें किससे के स्रोत क्या क्या हैं, ऐसे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमेशा हर कंपटीशन पूछे जाते हैं। तो ये पोषक तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोटीन, अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा अंडे से मिलता है, मछली से, सोयाबीन से, राजमा, दाल, तो दोस्तों राजमा और दाल से हमें प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलती है, दालों से और मछली और अंडे से। अगर इनकी कमी हो जाए दोस्तों, इनसे कमी से होने पर हमें क्या बॉडी में हानियां होती हैं, जो शरीर में मांसपेशियों का कमजोर होना, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर होने लगती है, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। हमें जो दोस्तों कोई भी रोग हो, मामूली भी रोग हो, हमें उससे क्या होगा, हम नहीं लड़ पाएंगे और हमारी क्या होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी, ये चीज़ है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए
तो अनाज, आलू, शकरकंद और पपीता आदि। कार्बोहाइड्रेट की बात किया दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अनाज से मिलता है, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। आलू में दोस्तों अधिक होती है, शकरकंद में भी अधिक होती है, पपीते में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या होगा, शरीर के तापक्रम ऊष्मा में कमी होने लगती है। क्या होने लगती है, कमी होने लगती है और शरीर कमजोर हो जाता है और त्वचा में क्या हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। जो आपकी झुर्रियाँ पड़ती है बॉडी में, उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न यही है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट की कमी, क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से दोस्तों होता है। ठीक है, नेक्स्ट वसा की बात की जाए दोस्तों, अगर वसा की बात की जाए दोस्तों, तो वसा के स्रोत की बात की जाए तो अंडे में दोस्तों, अंडा हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, मूंगफली एवं सभी प्रकार के तेल, सभी प्रकार के तेलों में वसा पाया जाता है आपका। और इनकी कमी से दोस्तों हानियां क्या होती है, जो आपकी त्वचा में जो चमक होती है, जो लाइट होती है, अगर इनकी कमी हो जाए तो वो क्या हो जाए, शुष्क हो जाएगी आपकी त्वचा। जो स्किन में लाइट होती है दोस्तों वो कम हो जाएगी और शारीरिक वृद्धि आपकी रुक जाएगी। जो आपकी बॉडी का ग्रोथ होता है, जो विकास होता है, वो धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाता है। अगर विटामिन ए की बात की जाए दोस्तों, तो अंडा, मछली, गाजर, आम, हरी सब्जियां, दूध आदि में जो है विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ए की बात की जाए तो अंडे में, मछली में, गाजर में, आम में और सब्जियों में और दूध में भी विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। पर इसकी कमी से क्या रोग होता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो रतौंधी, कई बार प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि रतौंधी नामक रोग किस विटामिन से होता है, कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ये याद रखिएगा। आंखों में होती है दोस्तों आपको रतौंधी। नेक्स्ट है विटामिन बी, अब बात होती है विटामिन बी की, तो ये छिलकेदार अनाज या दालों में पाए जाते हैं। क्या, छिलकेदार अनाज या दालों में पाए जाते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी, विटामिन बी से बेरी बेरी, यानी कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके यूजीसी नेट का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, वे ज्वाइन कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, बात की जाए अब विटामिन सी की दोस्तों, तो जो हमारा विटामिन सी है, यानी कि विटामिन सी खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, जैसे आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, तो ये खट्टे फलों में दोस्तों आपके विटामिन सी ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, संतरा, नींबू, आंवला आदि, खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा बहुत पाई। दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, या तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताइए स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी। ये क्वेश्चन ऐसे या तो घुमा के कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, आप हर तरह से तैयार रहिए। 2 महीने दोस्तों कमर कस लीजिए, इन 2 महीनों में जितनी आप मेहनत करेंगे दोस्तों उतने ही आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। दोस्तों सारी क्लास करते चलिए, प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए दोस्तों, हर एक टॉपिक का, सीडीपी की आपकी क्लास 6 बजे चलती है दोस्तों, सीडीपी हर एक टॉपिक, एक दिन दोस्तों एक टॉपिक, दूसरे दिन आपका टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, जो कि क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है, जो क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आया है, जो आपका क्वेश्चन बिहार टेट में आया हुआ है, और जो आपका दोस्तों हरियाणा टेट में आया हुआ है, इसी प्रकार से सारे दोस्तों जहां जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं छाट के लाया हूं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं आप जानते हैं रिपीटेड होते हैं, और हमें एक आइडिया और मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है आपकी सीडीपी की, 6 बजे आप सभी दोस्तों ले सकते हैं क्लास, और उसको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अगर सीटेट निकालना है तो ईवीएस और सीट और सीडीपी में और हिंदी 3 में दोस्तों अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, सीटेट क्वालिफाई होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 3 चीजों में अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, आपने 25+ कर दिया दोस्तों, तो ये चीज है दोस्तों, बस मेहनत करिए दोस्तों। विटामिन डी की बात की जाए दोस्तों, तो विटामिन डी हम जानते हैं कि हमारे सूर्य देवता सबसे ज्यादा स्रोत भाई, ऊर्जा के स्रोत,
और विटामिन डी के स्रोत हमारे सूर्य की किरणें। और दोस्तों दूध और दही से भी विटामिन डी मिलता है, मक्खन से मिलता है, अंडे से मिलता है, मछली से मिलता है, आदि से मिलता है। तो सूर्य की किरणों के अलावा अंडे से, मक्खन से, दूध से, मछली से और दही से भी दोस्तों हमें विटामिन डी मिलता है। इससे क्या होता है, जो शरीर की हड्डियों की विकृति होती है वो अगर इसकी कमी हो गई तो शरीर की हड्डियों में क्या होगी, विकृति हो जाएगी दोस्तों, कमजोर हो जाएंगी हड्डियां, ये चीज होती है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन ई की बात की जाए तो विटामिन ई दोस्तों अंकुरित चने, जो अंकुरित अनाज होता है, जैसे दोस्तों हमारा चना अंकुरित होता है, सोयाबीन अंकुरित होता है, उसको खाने से हमें विटामिन ई की मात्रा मिलती है, विटामिन ई की हमें प्राप्ति होती है दोस्तों। तो फल में मिलता है, सब्जियों में घी तेल दो, इसमें दोस्तों क्या होता है, स्त्रियों में बंधता रोग होती है, यानी कि दोस्तों जो स्त्रियां बच्चा नहीं जन्म सकती हैं तो वो विटामिन ई की कमी से ही होता है दोस्तों। तो स्त्रियों में बाध्यता रोग होती है आपकी विटामिन ई की कमी से, तो ये चीजें अगर आप खाएंगे तो ये आपका कमी दोस्तों क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। विटामिन के की बात की जाए तो बंद गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, सोयाबीन में रक्त जमने की क्षमता, विटामिन के दोस्तों जो रक्त का थक्का बनता है आपका, कोई भी चोट लग जाती है तुरंत आपका रक्त बहने लगता है, पतला, अगर आपको विटामिन के की कमी है तो आपका रक्त नहीं रुकेगा, बहुत तेजी से बहेगा, पर अगर आपके अंदर विटामिन के की पर्याप्त मात्रा है तो वो रुक जाएगा, थक्का जम जाएगा दोस्तों। तो विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों हमें हमेशा बंद गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, सोयाबीन भी समय समय पर खाते रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपकी ई बुक्स हैंडराइटिंग है, पूरे स्टडी 91 में आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।